आज है 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के पैसे बढ़ाए जाने पर कमलनाथ ने साधा निशाना। सीएम मोहन सावन ने लाडली बहनों के खाते में 250 रूपए अतिरिक्त ट्रांसफर करने का ऐलान किया। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार बहनों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम मोहन इस बार लाडली बहनों के अकाउंट में 250 रूपए ज्यादा देंगे, लेकिन वे इस बात का कोई हिसाब नहीं दे रहे कि पिछले रक्षाबंधन पर तत्कालीन सीएम शिवराज ने 450 रूपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, वो कितनी लाडली बहनों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जुन्नारदेव बनेगा नया जिला, सरकार ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन की कवायद के बीच सरकार फिर से एक नया जिला बनाने जा रही है। छिंदवाड़ा जिले का फिर एक हिस्सा अलग करके जुन्नारदेव को जिला बनाने के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू ने इसकी मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की। रक्षाबंधन के पहले महापौर ने महिलाओं को दी सौगात। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उज्जैन महापौर की सौगात मिलने जा रही है। रक्षाबंधन के दिन गत 2 वर्षों के अनुरूप इस वर्ष भी नगर निगम के द्वारा संचालित सिटी बसेस महिलाओं के लिए निशुल्क चलेंगी। ये बात महापौर मुकेश टटवाल ने उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा वार्ड क्रमांक 35 के मनछामन कॉलोनी स्थित आनंद भवन में आयोजित जनसंवाद शिविर में कही। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल में पहली कक्षा में अधिकतम 8 साल की उम्र तक होगा प्रवेश। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल की पहली कक्षा में अब अधिकतम 8 साल की उम्र तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शासन ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 4 और पहली कक्षा के लिए 6 महीने की आयु सीमा बढ़ा दी। इस संबंध में शासन के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए उम्र संबंधी नियम में संशोधन के आदेश जारी कर दिए। जबलपुर रेल मंडल में फिर होगी जेई परीक्षा। जबलपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने JLDCE परीक्षा का रद्द कर इसे फिर से करने का निर्णय लिया। सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जेई 20% LDCE परीक्षा का आयोजन पुनः सभी उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा। परीक्षा की निर्धारित तिथि और स्थान की सूचना बाद में दी जाएगी। मेडिकल छात्रों का नामांकन 31 जुलाई तक। एमपी के जबलपुर में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नामांकन के लिए फिर से पोर्टल खोला। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS, MDMS और DMMCH के विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक नामांकन के लिए पंजीयन करा सकेंगे। जबलपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने JLDCE परीक्षा में गड़बड़ी और सिस्टम खराब हुआ, जिससे फिर करने का निर्णय लिया है। इंदौर में 100 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल का बदलेगा टाइमिंग, चौराहे क्रॉस करने में नहीं लगेगी ज्यादा देर। इंदौर शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी कवायद चल रही है। यातायात पुलिस 100 से ज्यादा चौराहों और रास्तों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग बदलाव करने की तैयारी में है। प्रमुख चौराहों पर रोटरी बनाने की योजना तैयार की गई। इस बदलाव में SGS ITS कॉलेज के इंजीनियर को भी शामिल किया गया। इस कवायद का मकसद शहर के ट्रैफिक को सुधारना है, ताकि जाम न लगे और वाहन चालक बेफिक्र होकर गुजर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। ये कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए सेतु का काम करेगा। एमपी में रक्षाबंधन से पहले आ जाएगा GA का एरिया। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उन्हें रक्षाबंधन से पहले GA एरियर की पहली किश्त मिल जाएगी। शासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से मिलने वाला 4% DA की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की थी। सरकार ने कहा था कि 8 माह का एरियर 3 किश्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 का एरियर जुलाई, अगस्त और सितम्बर में दिया जाएगा। खेद है कि RSS पर लगा प्रतिबंध हटने में 5 दशक लग गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि खेद की बात है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने और ये स्वीकार करने में 5 दशक का समय लग गया कि उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से ऐसे प्रतिबंधित संगठन की सूची में रखा था जिसकी गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते।
सितंबर तक बनकर तैयार होगी जियो साइंस म्यूजियम की दूसरी गैलरी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा महाराजबाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट में तैयार किए जा रहे जियो साइंस म्यूजियम को जल्द ही सैलानियों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इस म्यूजियम की पहली गैलरी का निर्माण 1 वर्ष पूर्व हो चुका है और अब दूसरी गैलरी का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ग्रामीण परिवेश से पर्यटकों को परिचित कराने गांव में तैयार हो रहे होम स्टे। विदेशी पर्यटकों को भारत में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक विरासत और ग्रामीण परिवेश पसंद आता है, इसके लिए वे यहां महीनों रहने का टूर बनाकर आते हैं। उनकी खास मेहमान नवाजी के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड अब ग्वालियर अंचल में भी होम स्टे तैयार करा रहा है, जहां रहकर भी हेरिटेज स्थलों पर घूमने के साथ ही ग्रामीण परिवेश से भी परिचित हो सकेंगे। इसके लिए मितावली, रिठौरा और एती में 16 होम स्टे बनकर तैयार हो चुके हैं। कारमल रामश्री व सेंट जोसेफ स्कूल को लौटानी पड़ी अवैध फीस, 2-2 लाख का जुर्माना भी। नियमों के खिलाफ जाकर अभिभावकों के साथ ठगी करने वाले शहर के 3 बड़े स्कूल्स को जिला प्रशासन ने बड़ा झटका दिया। शैक्षणिक सत्र में शहर के 3 स्कूल कॉर्मल कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ और रामश्री किड्स के प्रबंधन ने 10% से अधिक की वृद्धि फीस पे कर दी थी, जिसका खुलासा प्रशासन की जांच में हुआ। इन स्कूल्स को अधिक फीस के साथ 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। कमलनाथ ने कहा कि अवकाश खत्म करने से आदिवासी समाज में रोष है। उन्होंने हर विकासखंड में आदिवासी दिवस समारोह मनाने के लिए एक निश्चित राशि देने की मांग की। बता दें कि शिवराज सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश खत्म कर दिया था। इंदौर दरभंगा के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा लेटर। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश के द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक मांग पत्र भेजा गया, जिसमें उत्तर भारत की ओर चलने वाली ट्रेन को विस्तारित करने और नई ट्रेन चलाने की मांग की गई। इंदौर और मालवा क्षेत्र में लाखों की संख्या में अप्रवासी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, ऐसे में इनके लिए दरभंगा तक कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश ने इसको लेकर रेल मंत्री को पत्र लिखा है। बाढ़ को लेकर मोहन सरकार अलर्ट। सीएम मोहन ने कटनी में अतिवृष्टि के कारण कई स्थानों पर जलभराव को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कटनी जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस प्रशासन की टीम की सहायता ली जाए। पीजी कोर्स में 40 से 50 अंक प्राप्त करने वालों को दी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने तलब किया शिक्षक भर्ती। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल वेलफेयर विभाग में पीजी कोर्स में 40 से 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दिए जाने के मामले को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगलपीठ ने भर्ती संबंधित रिकॉर्ड तलब किया। युगलपीठ ने पूछा कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें स्नातकोत्तर में 45 से 50% अंक प्राप्त हैं और उन्हें नियुक्ति दी गई। याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को हो। एमबीके माउंटेन मैन ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे शिखर पर फहराएंगे तिरंगा। जबलपुर के मझौली गांव निवासी माउंटेन मैन अंकित सेन 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट केजीएस्को पर तिरंगा फहराएंगे। अंकित सातों महाद्वीप के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे। इसके पहले अंकित ने 26 जनवरी 2023 को अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट किलिमंजारो और 15 अगस्त 2023 को यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1800 प्राध्यापकों के भरे जाने हैं पद। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सहायक प्राध्यापकों के अकादमिक लेवल 10 के 1800 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके लिए 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इन पदों पर साक्षात्कार के बाद नियुक्ति की जाएगी। कड़े नियमों के कारण प्राध्यापकों की इन कॉलेजेस में पढ़ाने की रुचि कम है, इस कारण आवेदन भी कम आ रहे हैं। एमपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा जल्द। एमपी में कांग्रेस जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषणा कर सकती है। इसमें 70 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें आधे पद युवाओं को मिल सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन में महिलाओं का कद बढ़ने के साथ ही उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 6 महीने हो गए। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। रतलाम में जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, सामान्य जनजीवन प्रभावित।
लंबे समय से तेज बारिश का इंतजार कर रहे रतलाम शहर के नागरिकों को गुरुवार शाम जोरदार बारिश की सौगात मिली। शाम करीब 4 से पानी बरसना शुरू हुआ और कुछ ही देर में बारिश ने मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में और मुख्य मार्गों की सड़कों पर पानी भर गया। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया। कार्यक्रम के अनुसार एमपीपीएससी एसएसई मेन परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी। एमपीपीएससी एसएसई प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के पात्र हैं। आयोग आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन लिंक होस्ट करेगा। भारत में तैयार होंगे H-125 हेलीकॉप्टर। टाटा एयरबस के बीच फाइनल असेंबली लाइन के लिए समझौता। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के तहत H-125 हेलीकॉप्टर्स को तैयार करने के लिए भारत में फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि असेंबली लाइन एक उत्पादन प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं के निर्माण को अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है। यूएस अपने सभी फाइटर जेट्स में लगा रहा माको हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका अपने सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में नई हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम है मैको। इसे बनाया है लॉकहीड मार्टिन ने। इस मिसाइल को मल्टी मिशन वेपन कहा जा रहा है। ये मिसाइल समंदर में हवा या डिफेंस सिस्टम पर किसी भी तरह की सतह पर हमला करने में सक्षम है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका ने इसे लगभग अपने सभी फाइटर जेट्स बम वर्षक और निगरानी विमानों में लगाकर टेस्ट किया है। मुसलमानों के धर्मांतरण वाले मंदिर में एक बार फिर से घर वापसी, 5 ईसाई बने हिंदू। इंदौर में इस बार क्रिश्चियन समाज के 5 लोगों ने घर वापसी की है। सभी लोगों ने गुरुवार को खजराना गणेश मंदिर में हवन पूजन कर हिंदू धर्म अपनाया। सभी ने अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर मंदिर में प्रवेश किया। सभी ने भगवान के सामने हवन कर हाथों पर कलावा बांधकर हिंदू धर्म में प्रवेश किया। 7 दिन पहले इसी मंदिर में 14 मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। अब तक विहिप के नेता द्वारा 100 मुस्लिम व्यक्तियों की घर वापसी कराई जा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।